हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट की टॉपिक आपके कोशेंट ग्रुप्स एंड और या फैक्टर ग्रुप, ये के दो नाम है अंतर, या इसको कोशेंट ग्रुप कह सकते हो या आप फैक्टर ग्रुप इसको कह सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा आज का। ये आपकी जो यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंतर्गत यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट है आपका कोशेंट ग्रुप एवं जो आपका यह कह सकते हो उसको आप फैक्टर ग्रुप यहाँ पर। तो ये हमारा इस यूनिट नंबर जो सेकंड है उसके अंतर्गत यहाँ पर लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। तो हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एवं इसके जो एग्जांपल्स हैं, मेजर जो एग्जांपल्स, उनको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोशेंट ग्रुप आपका क्या होता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल सब ग्रुप हमने पढ़ा था। तो कोशेंट जो ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ग्रुप होते हैं उनकी उत्पत्ति एक सेट से होती है। तो वास्तव में जब कोशेंट ग्रुप बना होगा तो इसके लिए भी कोई ना कोई सेट होगा यहाँ पर। तो वो सेट कौन सा है यहाँ पर, कि किस सेट को ही कोशेंट ग्रुप कहा जाता है जब वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारे चार जो अभिग्रहित हैं, कौन से, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट, ये जो चार जो हमारे जो अभिग्रहित हैं इनको जब वो सेट जब उनको क्या करता है कम्प्लीटली वेरीफाई करता है, तो उस कंडीशन में वही सेट आपका क्या बन जाएगा, कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। तो बात हमारी किसकी आई कि हमें पढ़ना तो क्या है कोशेंट ग्रुप, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो कोशेंट ग्रुप है वो वास्तव में किस सेट्स को लेकर ये बना है यहाँ पर, कि कौन से एलिमेंट्स का जो ऐसे सेट्स होते हैं जो कि कोशेंट ग्रुप बनाते हैं वहाँ पर। तो बात किसकी आई सेट की, तो हम सबसे पहले सेट को समझते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल सब ग्रुप हमने पढ़ा था कि यदि हमारा G स्टार नाम का कोई ग्रुप है और H उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, ये बात हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जितनी भी बातें हमने वहाँ पर वो सारी कंप्लीट की थी कि इस तरीके से हमारा जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये कंडीशन होंगी उसके, वहाँ पर उससे संबंधित थ्योरम्स पढ़े थे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिए कि ये ग्रुप है और ये इसका क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस नॉर्मल सब ग्रुप को चाहे आप सब ग्रुप कह दो, चाहे इसको केवल नॉर्मल सब ग्रुप कह दो, है तो ये भी एक ग्रुप यहाँ पर, यही कहीं है तो ये भी एक सब ग्रुप यहाँ पर, लेकिन ये कौन सा है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर यदि हम इससे संबंधित इस जी के अंतर्गत जितने भी सहकूलक या जो कोसेट्स यदि हम बना पाए, कि इस एच से लेकर हम जितने भी संभव एच से जी में संभव सभी सह समुच्चय, बात किसी कर रहे हैं हम कोसेट्स की, कि हमारा जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको लेकर यदि हम जी के अंतर्गत कोसेट्स यदि बनाते हैं, तो उन कोसेट्स का जो कलेक्शन होगा, उन कोसेट्स का जो कलेक्शन होगा वही हमारा वह सेट होता है जो कि क्या बनाता है, कोशेंट ग्रुप बनाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें तो क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, सह समुच्चयों का समुच्चय, कोसेट्स का सेट, सेट ऑफ कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स, कि कोसेट्स का जो सेट होगा वो एक इंडिकेशन के द्वारा दर्शाया जाता है कि यदि यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप यदि ये है तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है G अपॉन H से, या हम इसको ऐसे कह सकते हो कि G, ये हमारा इस तरीके का सिंबल हमने यूज में ले लिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेट्स ऑफ कोसेट्स कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो सेट्स ऑफ कोसेट्स है ये यदि ग्रुप के चारों गुणधर्मों की यदि पालना करता है या उनको यदि वेरीफाई करता है, तो यही सेट्स ऑफ जो कोसेट्स है वो क्या बन जाता है, कोशेंट ग्रुप बन जाता है। तो चाहिए आपको बात समझ में कि हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं कि कोशेंट ग्रुप क्या है, कोशेंट ग्रुप क्यों कैसा होगा, इसकी डेफिनेशंस क्या है यहाँ पर। तो फिर से वही बात आ गई कि कोशेंट ग्रुप तो बनेगा, लेकिन ग्रुप की उत्पत्ति किससे होती है, सेट से होती है, कि कोई जनरली कोई सेट यदि मैथमेटिक्स के उन चारों जो हमारे जो गुण थे या जो प्रॉपर्टी थी जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, उनकी यदि वो सेट यदि उनको यदि उनकी क्या कह रहे हैं उनको वेरीफाई करता है, तो उस कंडीशन में वो जो सेट्स है वो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो हमारा जो कोशेंट ग्रुप होगा वो किससे बना होगा, सेट्स ऑफ कोसेट्स नामक जो सेट होगा वो यदि उन चारों अभिग्रहितों की यदि वेरीफाई करता हूँ, चारों अभिग्रहितों को, तो उस कंडीशन में हमारा जो जी अपॉन एच है या सेट ऑफ जो कोसेट्स है वो हमारा क्या बन जाएगा, कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है इस बात को यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि सेट्स ऑफ कोसेट्स, और उसके बाद फिर हमारी जो थ्योरम होगी उसकी ओर हम चलेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं सेट्स ऑफ कोसेट्स की।
तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या होगी इसके अंतर्गत यहाँ पर, क्योंकि हमें समझना तो यही है, हमारा टॉपिक तो वही आएगा, लेकिन उससे पहले की जो हमारी जो कुछ बेसिक्स जो बातें हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, सेट्स ऑफ कोसेट, सेट ऑफ कोसेट्स, सह समुच्चयों का समुच्च इसके अंतर्गत। तो डेफिनेशन ठीक उसी तरीके से होगी यहां पर कि माना किसी ग्रुप जी में एच नॉर्मल सब ग्रुप है। ये ध्यान रखना कि एच नॉर्मल होना अनिवार्य है, कि जब हम सेट्स और कोसेट्स की बात करते हैं तो एच का क्या होना अनिवार्य है, नॉर्मल होना अनिवार्य है। कि माना किसी ग्रुप जी में एच नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच के जी में विद्यमान सभी सह समुच्च मतलब कोसेट्स, सभी सह समुच्च का समुच्च सेट ऑफ कोसेट होता है, सेट ऑफ कोसेट्स होता है, जिसे जी अपॉन एच से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जी अपॉन एच इज इक्वल टू। कि अब जो जी अपॉन जो एच होगा वो डिफाइन कैसे होगा ये हमें यहां पर समझना है। यहां पर कि जी अपॉन एच को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे कि एच ए, कि जो जी अपॉन एच है वो क्या है, सारा कोसेट्स का है, कि इसमें जो जितने भी जो एलिमेंट है वो खुद अपने आप में क्या है, कोसेट्स है। किसको लेकर बने हुए, वो नॉर्मल सब ग्रुप एच को लेकर बने हुए यहां पर, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं कि जी अपॉन जो एच होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि एच ए सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, कि जहां पर जो ए आप ले रहे हो वो एवरी एलिमेंट फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। कि ए को यदि आप जी से लेते हुए यदि कोसेट्स यदि बनाते हो तो उन सारे कोसेट्स को कंबाइन करने वाला है, उन सारे कोसेट्स को कलेक्ट करने वाला जो सेट होगा वही हमारा क्या होगा, सेट्स ऑफ कोसेट्स होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या थी हमारी, कि दो कोसेट्स का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है। तो वैसे हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आज फिर से पढ़ लेते हैं, सेट्स ऑफ कोसेट्स। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सह समुच्चयों का गुणन, क्योंकि हमें जो थ्योरम पढ़नी है उसमें ये चीजें समझना बहुत अनिवार्य है। क्या फर्क है कि सह समुच्चयों का समुच्चय, सह समुच्चय गुणन, तो इसी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, सह समुच्चय गुणन पढ़ना पड़ रहा है। कि सेट्स ऑफ जो कोसेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस तरीके से होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स कि जो सह समुच्चय हैं उनका जो गुणन है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, अब हमें ये वो समझना है यहाँ पर। तो हमने ये तो समझ ही लिया था यहाँ पर कि हमारे जो कोसेट्स हैं वो ऐसे होते हैं, कोसेट्स आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, कि यदि आप कोसेट्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन यूज में ले रहे हो वो यदि मल्टीप्लीकेशन वाला है तो कोसेट्स ऐसे होंगे एच ए एच बी एच सी एच सी इस तरीके से, जहाँ पर जो ए बी सी है वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, ग्रुप जी से आ रहे हैं। यहाँ पर एक होता है कि आपका एडिटिव, कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो एडिशन वाला है, कि जिस चीज को आप एच को जो नॉर्मल सब ग्रुप कह रहे हो या एच को आप जो सब ग्रुप कह रहे हो वो हमारा जो सब ग्रुप है वो एडिशन की जो ऑपरेशन है उसके अंतर्गत क्या था, वो सब ग्रुप था। तो इन दैट कंडीशन कि बनने वाले जो कोसेट्स होंगे वो आपके इस तरीके से होंगे कि एच ए एच बी इस तरीके से एच प्लस सी इस तरीके से वहां पर कोसेट्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी वहां पर जो संक्रिया थी हमारी ग्रुप के अंतर्गत, ताकि उससे मिलकर जो सब ग्रुप बना था वो ऑपरेशन वहां पर क्या था पहले वहां पर, तो उसी के बेसिस पे क्या होंगे ये कोसेट्स होंगे। तो हमें क्या समझना है, सह समुच्चयों का गुणन। तो यदि हमारे पास
दो कोसेट्स, दो मल्टीप्लिकेटिव कोसेट्स इस तरीके के हैं कि एच ए कोमा एच बी, यदि हमारे पास दो कोसेट्स हैं तो इनके मल्टीप्लीकेशन को मैं ऐसे लिखूंगा कि एच ए एच बी, और वो कैसे डिफाइन होगा कि एच ए डॉट बी, कि आप इन दोनों अवयवों की खुद से संक्रिया कराकर प्राप्त परिणाम का फिर से कोसेट से भी ले लेते हो, तो वही आपका क्या होगा, यहाँ पर एच ए बी होगा। तो समझ आ गया आपको बात कि दो कोसेट यदि एच ए एच बी हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा होगा। दूसरी बात, यदि हमारे दो कोसेट यदि एडिटिव हैं, यानी योगात्मक संक्रिया के लिए वो बने हुए थे, तो कैसे होगा उनका मल्टीप्लीकेशन कि एच प्लस ए एंड एच प्लस बी इज इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी, यानी वो भी होगा, तो उनका हम लिखेंगे गुणा के तरीके से, लेकिन परिणाम क्या होगा उनका, वो पहले की तरीके का ही होगा कि दोनों आप ए और बी को जोड़ दो, प्राप्त परिणाम का फिर से एच के साथ क्या ले लो, योगात्मक जो सहफूलक है या जो कोसेट्स है वो आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों ऑपरेशन के लिए की मल्टीप्लीकेशन के लिए एवं जैसा भी ऑपरेशन होगा वो आपको ग्रुप के अंतर्गत डिफाइन कराया होगा, तो उसके बेसिस पे ही आपके जो कोसेट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लेते हैं कि सह समुच्चयों का गुणन, यहाँ पर तो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर कि यदि उपसमुच्चय या चाहे कह दो आप उपसमूह, यदि उपसमूह एच के दो सहकूलक या कोसेट्स, एक ही बात सहकूलक या कोसेट्स, कोसेट्स एच ए कोमा एच बी है तो एच ए डॉट एच बी, एच ए डॉट एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से नोट करके हम और लिख लेते हैं यहां पर नोट, यदि एच में संक्रिया कि हम जिसको क्या कह रहे थे सब ग्रुप जिसको कह रहे थे उस सब ग्रुप में यदि एच में संक्रिया योगात्मक है तो कोसेट्स क्या बनेंगे उस कंडीशन में, वो तो संक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो कोसेट्स क्या बनेंगे आपके कि एच प्लस ए और कॉमा एच प्लस बी, एच प्लस ए प्लस कॉमा एच प्लस बी, और इस कंडीशन में क्या होगा फिर यहां पर, इस कंडीशन में इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि एच प्लस ए डॉट एच प्लस बी। अब आपको ये नहीं समझना है कि एच से एच मल्टीप्लाई होगा, वो हमारा जो गणितीय जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा, जो इनका जो कोसेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है इस तरीके से डिफाइन होगा, ये हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे डिफाइन करोगे आप यहाँ पर कि एच प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से हम यहाँ पर उसको लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो हमारे जो कोसेट्स हैं अब वो चाहे मल्टीप्लीकेशन वाले हो चाहे एडिशन वाले हो, उनके जो कोसेट्स के जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी दो छोटी छोटी सी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि सेट्स ऑफ कोसेट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स, तो इनको हमने समझा। अब इनके बेसिस पे ही हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो आपकी भूमिका निभाएगी किसमें, कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन देने में कि कोशेंट ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं, इस थ्योरम को इसको मिटाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि सह समुच्चयों का समुच्चय, सबसे पहले आपको इस चीज की जरूरत होगी सह समुच्चयों का समुच्चय। अब ये देखो उठा के आप यहाँ से देखो बिल्कुल यही चीज है ना यहाँ पर, यानी ये एक सेट है, तो हमने ये सेट ये मानकर ले लेंगे यहाँ पर, मान सकते हैं ऐसा यहाँ पर। सह समुच्चय गुणन, सह समुच्चय गुणन आपने यहाँ पर पढ़ लिया, सह समुच्चय गुणन के लिए क्या होगा ग्रुप होता है, बस ग्रुप प्रूव करना है आपको। तो आपको सेट मिल गया, ऑपरेशन मिल गया, और करना क्या है आपको वहां पर बस ग्रुप प्रूव करना है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए आपके पास चारों अभिग्रहितों की जानकारी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो चारों प्रॉपर्टी की आपको जानकारी होनी चाहिए वहां पर। तो ये हम जो पिछली हमने जो क्लास है उनमें खूब अच्छे से समझाए चीजों को यहाँ पर, यहीं कहीं हमारी जो यूनिट दो जो लगभग जो कंप्लीट होने वाली है उनमें अभी तक यही तो पढ़ाया वहां पर, ग्रुप के चारों गुणधर्म हमने वहां पर अब तक पढ़े हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक सेट ऑफ कोसेट्स, तो सर्वप्रथम हमने क्या माना कि माना हमारे पास क्या है कोई सेट ऑफ कोसेट्स है यहां पर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर कि माना माना g
जी अपॉन एच, माना जी अपॉन एच जी पर सह समुच्चयों का मतलब क्या हुआ, कोसेट्स, सह समुच्चयों का समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है सेट, माना जी अपॉन एच जी पर सह समुच्चयों का समुच्चय है, अर्थात इसको हम डिफाइन करके लिखते हैं कैसे कि जो हमारा जी अपॉन एच है वो कैसे होगा, जो भी हम थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में समझा था कि ये इस तरीके का है कि एच ए सच दैट फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमने इसको ले लिया। दूसरा, अब हमें ये डिफाइन करना है कि सह समुच्चयों का गुणन, तथा दिया है सह समुच्चयों का गुणन, सह समुच्चयों का गुणन, तो सह समुच्चयों का गुणन हमें दे रखा है, कैसे दे रखा है कि फॉर ऑल एच ए कॉमा एच बी, यदि दो आपके पास सह समुच्चय यानी दो कोसेट्स हैं, कहां से आने, यहां से आने चाहिए क्योंकि ये हमारा एक सेट है, तो इस सेट को ही तो प्रूव करना है आपको कि ये क्या होगा, ग्रुप होगा, तो क्या करना है कि हमें दो एलिमेंट हमने कहां से ले लिए, जी अपॉन एच से, ठीक है, कैसे होंगे वो, यहां से होंगे कि हमारे जी अपॉन एच के वो होंगे, क्या होगा इनके लिए कि इनके लिए यदि एच ए डॉट यदि एच बी है तो ये जो इस तरीके का जो परिणाम है बनने वाला, ये हमें इस तरीके का होगा कि एच ए डॉट एच बी को यदि मल्टीप्लाई करूं वो इस तरीके का होगा, ठीक है, ये हमें यहां पर दिया गया है। यहां पर तो हमारे पास जो चीज हमें स्टेटमेंट से जो मिलने वाली थी वो दो बातें मिलने वाली थी, तो दोनों बातें हमने यहां पर नोट कर ली। यहां पर अब हमें प्रूव क्या करना है, यहां पर कि हमें जी अपॉन एच को ग्रुप प्रूव करना है, तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं, यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि जो जी अपॉन एच है यानी क्या सेट्स ऑफ कोसेट्स, वो सेट ऑफ कोसेट्स जो हमारा जी अपॉन एच है वो क्या है, सेट्स ऑफ कोसेट्स है, ग्रुप होगा, ये हमें सिद्ध करना है यहां पर। तो उसके लिए सबसे पहला हम लेते हैं यहां पर जी वन, ग्रुप के लिए हमारा जो पहला भी ग्रेट होता है उसको किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, जी वन से, तो जी वन हमारा कौन सा होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर यानी समृद्धता, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसको हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो जी अपॉन एच है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या लिया, माना एच ए कोमा एच बी इज द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच, इज द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच, की माना एच ए कोमा एच बी इज द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच, यदि ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा यहां पे हमें, तब मैं क्या क्या करना चाहता हूं कि एच ए डॉट एच बी के बारे में यहां पर मेंशन करना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, तो एच ए डॉट एच बी के बारे में मेंशन करूं तो इनका गुणा तो हमें पहले से दे रखा है, इनका गुणा इस तरीके से होता है, तो क्या लिख दिया एच ए बी यहां पर, ठीक है। अब मुझे इस एच ए बी के बारे में बताने कि एच ए बी किस सेट के अंतर्गत ये जा सकता है, कि कौन से सेट के अंतर्गत ये जाएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर चूंकि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि ए और बी की यदि मैं सक्रिय कराऊं तो ग्रुप के समृद्धता नियम से वो रिजल्ट भी कहां पर जाएगा, जी में जाएगा, तो हमने इसको कहां से ले लिया कि ये जो रिजल्ट है हमारा एच ए बी इंप्लाइज दैट कि जो एच ए बी है वो कहां जाएगा, इज द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच, फॉर ऑल एच ए कोमा एच बी इज द एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एच, कि यदि एच ए और एच बी हमारे दो कोसेट्स हैं किसके, इस जी अपॉन एच के, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन का जो परिणाम है वो भी कहां पर जा रहा है, जी अपॉन एच में ही जा रहा है, तो क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि जी अपॉन एच संवृत है, कि हमें जो पहला रिजल्ट चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो जी अपॉन एच है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत है, वेरीफाई है यहां पर। अब लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव सहचर्यता,
तो साचर्य के लिए आपको पता है कि आपको तीन एलिमेंट लेने होते हैं। तो हमने माना है आपका कि माना एच ए कोमा एच बी कोमा एच सी इज द एलिमेंट ऑफ जी अपोन एच। कि हमने तीन एलिमेंट कहाँ से ले लिए, जी अपोन एच से हमने यहाँ पर ले लिए यहाँ पर, ठीक है। ये किसके लिए है कि फॉर ऑल ये जो हमने ए बी सी लिए हैं वो सबके सब कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल जी से। ये चीज तो आपको पता होगा क्योंकि कोसेट्स तभी बनते हैं जब हम जो यहाँ पर सहसमुच्चय बनाने के लिए जो एबीसी यूज में लेते हैं वो उस ग्रुप के अंतर्गत ही होने चाहिए। तो जहां पर यहाँ पर क्या है, जो एबीसी है वो कहाँ से है, ग्रुप जी से है यहाँ पर। अब इनके लिए हम इसका प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं यहाँ पर कि एच ए डॉट एच बी और डॉट एच सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट को अलग करके मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि एच ए, यहाँ पर हमें इनको प्रूव करना है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं इनको लिख रहा हूँ ऐसे कि एच ए डॉट एच बी सी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एच ए डॉट एच बी सी, क्योंकि हमने पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया यहाँ पर। फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि एच ए बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे दो कोसेट्स मिल गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से इसको पुनः मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि एच ए बी और डॉट इसको कैसे लिख सकता हूँ, एच सी लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर। इसको यदि मैं और पुनः लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि एच ए डॉट एच बी और डॉट क्या लिख लिया, एच सी। तो यही तो हमें एसोसिएटिव में दर्शाना होता है यहाँ पर कि यदि मैं प्रथम अंतिम दो का लूं और उसकी संक्रिया पहले के साथ कराऊं या पहले दो लूं उसकी संक्रिया मैं अंतिम के साथ कराऊं तो परिणाम मुझे दोनों में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फॉर ऑल एच ए कोमा एच बी कोमा एच सी इज द एलिमेंट ऑफ जी अपोन एच। यदि ऐसा है तो इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो जी अपोन एच है वो क्या है, साचर्य है, जी अपोन एच साचर्य। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। अब थर्ड कंडीशन हमारी कौन सी होगी, एसोसिएटिव के बाद हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें समझना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक है, तो तत्समक अवयव हमें यहां पर देखना है यहां पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना कि इसका तत्समक अवयव की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि तत्समक अवयव एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके लिए कि यदि हम उसकी संक्रिया उस सेट के अन्य किसी भी एलिमेंट के साथ यदि कराएं तो परिणाम में हमें वही जो एलिमेंट है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट की हमें जरूरत है। तो प्रेजेंट में हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना कि ये एलिमेंट है और इसकी हम फिर हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे वहां पर। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा कि माना एच एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी अपोन एच। क्या लिख लिया कि एच एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी अपोन एच, तत्समक अवयव है। हमने इसको क्या मान लिया अपनी तरफ से कि ये क्या है, तत्समक अवयव है। अगर यदि ये तत्समक अवयव है तो इसकी संक्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूं, तब एच ए डॉट एच एक्स इज इक्वल टू, कि यदि ये तत्समक अवयव है तो ये हमारा क्या है, कोई कोसेट है, तो इस कोसेट की संक्रिया यदि मैं तत्समक अवयव के साथ कराऊं तो मुझे मेरा एलिमेंट दोबारा मिलना चाहिए। अब मैं इसको लेफ्ट से कराऊं चाहे राइट से कराऊं इसका इस पर कोई महत्व नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल जो हमने एच ए लिया है वो एच ए कहां से लिया है, जी अपोन एच से लिया है। कि एच ए हमने जो लिया है वो कहां से लिया है, जी अपोन एच से। और उसके बाद भी क्या होना चाहिए, इस पर क्रम का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि आप तत्समक अवयव को लेफ्ट से लगाओ चाहे राइट से लगाओ, परिणाम हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एच ए की संक्रिया एच एक्स के साथ कराऊं जबकि ये तत्समक अवयव है तो उस कंडीशन में परिणाम क्या मिलेगा, मुझे वही एलिमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया कि एच ए डॉट एच एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच ए। अब हम जानते हैं कि ये तो दो कोसेट्स हैं, इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का परिणाम कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन का परिणाम होगा एच ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच ए। अब ये दो कोसेट्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, बराबर के चिन्ह के साथ हैं। अगर यदि ये दोनों कोसेट्स हैं तो ये किसके द्वारा बने हैं, यहां से तो ये ए एक्स के द्वारा मल्टीप्लाई करने पर बना है और यहां से किसके द्वारा मल्टीप्लाई करने पर बना है, ए के द्वारा। बाकी जो एच होगा वो तो दोनों में समान ही था, यानी जो पूरा सेट था वो तो पूरा समान था, बस इन एलिमेंटों के द्वारा ये बना है। तो यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं कि यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या,
कि ax इज इक्वल टू a, तो मैंने क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि ax इज इक्वल टू a, जहां पर आप ये भी मेंशन करना, चूंकि a कोमा x कोमा इज द एलिमेंट ऑफ क्या रहा है g, कि जहां पर हमने जो क्या लिया है a यूज में लिया है तथा जो x यूज में लिए हैं वो सबके सब कहां से हैं, ग्रुप से हैं, क्यों है, क्योंकि कोसेट्स बनाने के लिए जिन एलिमेंटों की हमें आवश्यकता होती है वो सब कहां से आते हैं, ग्रुप से आते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो एलिमेंट ऐसे हैं कि एक ही संक्रिया यदि x के साथ कराता हो तो परिणाम कितना आता है, a मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये तो ग्रुप के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो ग्रुप के अंतर्गत तत्समक अवयव वाली प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या होगा कि एक ही संक्रिया मैंने किसके साथ कराई होगी, e के साथ कराई होगी, तब जाके क्या आया होगा, a आया होगा। तो क्या देखेंगे यहां से कि हमारे पास जो परिणाम मिला वो कैसा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, आइडेंटिटी, कि यदि मैं ए की संक्रिया एक्स के साथ कराता हूं तो ए तब आता है जब यहां पर क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसे इंडिकेट करते हैं, ई से, अतः एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई यहां पर। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि एक्स यदि हम ई के लिए लेते हैं, यानी जो मैंने यहां पर ये माना है, तो उसके अंतर्गत मुझे परिणाम ये प्राप्त होता है। एक बात और यहां पर implies that कि हमने x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, यहाँ पर e हो गई, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो एच एक्स हमने यूज में लिया था वो क्या था, वास्तव में एच ई, और एच ई का परिणाम सदैव कितना होता है कि यदि आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर यदि आप कोसेट्स बनाते हो तो उस परिस्थिति में वही जो आपका सबग्रुप था वो पुनः आपको प्राप्त हो जाता है। तो implies that कि हमारा ये क्या हो जाएगा कि एच ई इक्वल टू एच तत्समक अवयव है। तो हमारा तत्समक अवयव क्या था, एच था यहाँ पर, कि किसी भी आपके जो यदि आप बात करो जी अपॉन एच के लिए यदि बात करो तो उसके लिए जो तत्समक अवयव होता है वो खुद वही सबग्रुप होता है जिसको आपने शुरुआत में लिया था। तो हमने सबग्रुप किसको लिया था, हमारे पास सबग्रुप था कैपिटल एच, तो कैपिटल एच ही हमारा क्या होगा, इसका तत्समक अवयव होगा। तो हमें यहाँ पर जी अपॉन एच में किसकी भी प्राप्त हो गई, तत्समक अवयव की भी प्राप्ति हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किसके लिए, प्रतिलोम अवयव के लिए। तो नेक्स्ट हमारी ये प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट तो हमें जरूरत किसकी है, इनवर्स एलिमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए भी हमने कंसीडर किया कि माना एच वाई, माना एच वाई जी अपॉन एच में प्रतिलोम अवयव है, में एच ए का प्रतिलोम अवयव है, कि हमने क्या ले लिया कि एच ए नामक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो हमने क्या मान लिया, एच वाई मान लिया। अभी हमने मान तो लिया लेकिन हमारे पास हमको जो इनवर्स एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी हमें कम्प्लीटली लर्न होनी चाहिए वहां पर। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि दो आप इनवर्स एलिमेंट को यदि उनका साथ संक्रिया कराते हो उनकी आपस में, तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव हमारे पास क्या था, चाहे आप उसको एच कह दो, चाहे उसको आप क्या कह दो, एच ई कह दो यहाँ पर, ठीक है। तब परिभाषा से एच वाई डॉट एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, तत्समक अवयव। और तत्समक हमें अवयव हमारे पास क्या था, एच ई इज इक्वल टू, अब की बार तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिया है, यदि इसको मैं राइट हैंड साइड से लगाऊं तब भी परिणाम में कोई हमारा परिवर्तन नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो हमने दोनों तरफ से इसको ले लिया, कोई भी एक संबंध हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला संबंध यदि मैं यहाँ पर लूं तो मैं जानता हूं कि एच वाई डॉट एच ए ये भी एक कोसेट है, ये भी एक कोसेट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमें दिया गया था इस तरीके से परिभाषित होता है। तो एच वाई ये क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच ई। अब यहां पर हमने जिस चीज को लेकर कोसेट्स बनाए वो कैपिटल एच है, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगेन यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि वाई ए इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, यहां पर ई प्राप्त हो जाएगा यहां पर। अब हम जानते हैं कि y की संक्रिया a के साथ यदि कराऊं तो मुझे तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब जो y होगा यहां पर वो क्या है, a का इनवर्स एलिमेंट है। अब ये जो सारे के सारे एलिमेंट आप यूज में ले रहे हो, फॉर ऑल y, a इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप g,
कि जो भी हम एलिमेंट यहाँ पर यूज में ले रहे हैं वो सबके सब क्या है, ग्रुप के हैं। यहाँ तक कि जो आइडेंटिटी है वो भी एलिमेंट किसका है, ग्रुप का है, क्योंकि जो सारी ये बातें हो रही है वो ग्रुप के अंतर्गत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब दो एलिमेंट ग्रुप के दो एलिमेंटों की संक्रिया आप करा रहे हो और प्राप्त परिणाम क्या हो रहा है, ई प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। और ग्रुप के अंतर्गत ए के इनवर्स को ए इनवर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो ए है उसका जो इनवर्स जो वाई इंडिकेट हो रहा है उसका मतलब क्या होगा कि ए वाई क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो इंप्लाइज दैट कि वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स, किससे, चूंकि जी ग्रुप है। और ग्रुप के अंतर्गत क्या देखते हैं वहां पर कि यदि दो अवयवों की संक्रिया आप करा रहे हो और उनका परिणाम यदि तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है तो इन दैट कंडीशन वो एक दूसरे की क्या है, प्रतिलोम अवयव है। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कि हमने जो एच ए लिया है उसका प्रतिलोम अवयव हमें क्या प्राप्त हो गया, एच ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि जो हमने एच वाई यूज में लिया था तो एच वाई का मतलब क्या हो गया, एच ए इनवर्स, इंप्लाइज दैट कि एच ए का प्रतिलोम अवयव एच ए इनवर्स है फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। कि यदि हमारा एच ए नाम का कोई कोसेट है तो उसके इनवर्स को कैसे इंडिकेट करेंगे, एच ए इनवर्स के द्वारा, प्रत्येक ए इज द एलिमेंट ऑफ जी के लिए, जहां पर जो ए होगा वो सदैव कहां से आएगा, कैपिटल जी से आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो एच ए उसका प्रतिलोम सदैव एच ए इनवर्स के द्वारा इंडिकेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे जो चारों अभिग्रहित है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, वो सब यहां पर क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो हमने क्या देखा, अतः चारों परिणामों से एच अपॉन जी या सेट्स ऑफ कोसेट, एच अपॉन जी की जगह आप इसको क्या कह सकते हो, सेट ऑफ कोसेट्स। अतः चारों परिणामों से एच अपॉन जी सह समुच्च गुणन के लिए ग्रुप है, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि हमारा जो सेट ऑफ जो कोसेट्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक ग्रुप होता है, बट जो हम ऑपरेशन यहाँ पर इस सेट के लिए यूज में लेंगे वो क्या लेंगे, सहसमुच्चयों का गुणन। अब सहसमुच्चयों का गुणन वो डिपेंड करता है कि सहसमुच्चय कौन से, कि वो एडिटिव आप ले रहे हो या मल्टीप्लिकेटिव ले रहे हो, तो उसके बेसिस पे हमारा सहसमुच्चयों का गुणन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी जो आज हमने समझी है यहाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो अलग आगे की जो बातें हैं, जो नेक्स्ट थ्योरम्स एवं जो एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है, वो हम कंप्लीट करेंगे वहां पर। अब आपको एक बात और समझनी है यहाँ पर, कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर कि हमने पढ़ा है कि सहसमुच्चयों का जो समुच्चय है वो सहसमुच्चय गुणन के लिए क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो यही आपकी डेफिनेशन किसकी है, कोशेंट ग्रुप की। तो कोशेंट ग्रुप को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो कोशेंट ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरीके की होगी, इसी जो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके बेसिस पर यहाँ पर होगी। तो क्या होगी कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन, जी अपॉन एच को क्या लिखोगे आप यहां पर, सेट ऑफ कोसेट्स जी अपॉन एच सह समुच्च गुणन के लिए सदैव कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहलाता है, विशिष्ट ये कह सकते हैं इसको, कोशेंट ग्रुप के लिए सदैव कोशेंट ग्रुप कहलाता है, कि हमारा जो डी अपॉन एच होगा वो सदैव सह समुच्चय गुणन के लिए क्या कहलाता है, कोशेंट ग्रुप कहलाता है। तो कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन भी इसी तरीके की होगी आपकी, जहां पर सहसमुच्चय गुणन आपको पता है यहाँ पर, तो ये किसकी डेफिनेशन है, कोशेंट ग्रुप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे की जो हमारी जो एग्जांपल्स हैं एवं जो कोई यदि कोई थ्योरम होगी तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है।